மக்களா இருந்து பண்ணிக்கிறாங்க அதெல்லாம் अरे कुड़मी माता होश में आओ होश में आओ होश में आओ। आज का विचार गोष्ठी को लेके अपना वक्तव्य दीजिए। आज की विचार गोष्ठी का आयोजन कुड़मी मातों को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देने के लिए विचार गोष्ठी हुई है। जिन वक्ताओं को बुलाया गया था, मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव को बुलाया गया था। उन्होंने अपना वक्तव्य में कहा, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड उन्होंने दिया और विधि संविधानिक तर्क संगत बात उन्होंने रखी है। संविधान के अनुसार जो भी विधि अब तक बना है और ऐतिहासिक बैकग्राउंड में उन लोग किसी भी हालत में आदिवासी सूची में नहीं डाले जा सकते, क्योंकि आदिवासियों का जो क्राइटेरिया है, कस्टमरी लॉ है, रूढ़ी या प्रथा है, उसके अंतर्गत उन लोग आते ही नहीं है। और आदिवासी रूढ़ी प्रथा के तहत हैं, उन्हीं लोग आदिवासी में आते हैं, उन लोग उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए आदिवासी सूची में शामिल नहीं हो सकते। आज के विचार गोष्ठी में कहाँ कहाँ से लोग उपस्थित थे? आज की विचार गोष्ठी में रांची से, पूर्वी सिंहभूम से, सरायकेला खरसवां से और जगन्नाथपुर साइड से भी आए थे, और कोल्हान से जो पश्चिमी सिंहभूम से विभिन्न जगह से आए थे, चकदरपुर से, कुचाई से, खरसवां से, सरायकेला से, पुटका से आए थे। और आज का विचार गोष्ठी के लेके आगे का रणनीति आप लोगों का क्या तय हो गया? आगे की रणनीति हम लोगों की होगी जो कुर्मी मातों के खिलाफ में हम लोग का आंदोलन को धारदार बनाने के लिए प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय हम लोग कमेटी का गठन करेंगे और उन लोगों के माध्यम से जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय चाहे पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन करके सभी लोगों को इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे, इसमें शामिल करेंगे, ताकि जब भी हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन का आह्वान करेंगे, काफी संख्या में, अप्रत्याशित संख्या में लोगों का जुटान हो सके। और आज का विचार गोष्ठी को लेकर के आप समाज को, आप लोगों का आदिवासी कल्याण एकता मंच के तहत क्या संदेश देना चाहते हैं? आदिवासी कल्याण आदिवासी एकता मंच भिन्न भिन्न आदिवासी समुदाय के लोगों को संगठित करने का प्रयास में है, और इसीलिए कल्याण आदिवासी एकता मंच में मुंडा समाज है, उरांव समाज है, संताल समाज है और विरहो समाज है, भूमि समाज है, ये भिन्न भिन्न समाज के संगठन के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और आज की विचार गोष्ठी में भी हर समुदाय से वक्ता के रूप में आए हुए हैं, हर संगठन से।